करते हैं हिंदी दसवीं की काव्यखंड अट नहीं रही है। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस कविता अट नहीं रही है के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। तो कवि निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ था और ये मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव के निवासी थे। इनके पिता महिषादल में रियासत के कोषाध्यक्ष थे और निराला जी के पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और आपका पारिवारिक जीवन निरंतर दुखों से घिरा था। उनकी पत्नी बेटी एक के बाद एक सब असामयिक मृत्यु का शिकार हुए और परिजनों से के बिछोड़ से बिछड़ने से के दुख ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और सन 1961 में निराला जी का देहांत हो गया। आपकी रचनाएं इस प्रकार है। निराला जी की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुर मुक्ता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। इन्होंने अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी या कलम चलाई, संपादन भी किया और निराला रचनावली के 8 खंडों उनका संपूर्ण साहित्य समाहित किया गया। अब निराला जी की विशेषताएं हैं कि साहित्यिक विशेषताएं। निराला जी की कविता में विषय वस्तु संपूर्ण सृष्टि में बिखरे हुए हैं। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति प्रेम, सहानुभूति, दार्शनिकता, क्रांति, प्रतिकार आदि अनेक विषयों को स्थान दिया है और निराला वास्तव में क्रांतिकारी व्यक्तित्व के उनकी कविता में भी यह झलक मिलती है। उन्होंने कविता के छंदों को बंधन से मुक्त कराया। पहली छंद मुक्त कविता उन्होंने लिखी है तत्सम शब्दों का मजबूत किया है, भाषा सरल बोलचाल वाली है। कविता छंद मुक्त होते हुए भी प्रवाह पूर्ण है। ये तो था निराला जी का कवि परिचय या जीवन परिचय। अब हम इसके आगे देखेंगे कविता अट नहीं रही है का पाठ परिचय या सारांश। तो प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कविता में कवि ने फागुन माह का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तब इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की खूब अच्छी बहार आ जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन में के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई है और वे चाहकर भी अपनी आंखें बंद आंखें इन प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग, बगीचों, वन, उपवनों, पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लग जाते हैं। कहीं लाल रंग के हैं तो कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लग जाती हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कभी को कभी और छोर नजर नहीं आता। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है क्योंकि इस सुंदरता का कहीं भी अंत नजर नहीं आ रहा, कहीं भी छोर नजर नहीं आ रहा। अब हम पद पहला इसका वाचन करेंगे। पद का अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम
पर पर कर दी थी। तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। यह तो था हमारा पद पहला। अब इसका संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता अट नहीं रही से ली गई। इसकी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निवाला। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रकृति के उल्लास को प्रकट किया है और कवि बसंत की सुंदरता को दिखाकर मनुष्य के भाव में नए नए रंग लाना चाहता है और इसके माध्यम से मनुष्य में नया उत्साह भरना चाहते हैं। अब कठिन शब्दों के अर्थों को देखेंगे तो अट का मतलब होता है समाना। पाट पाट जगह 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 पाट पाट मतलब जगह जगह, सोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट मतलब समा नहीं रही है, समा नहीं नहीं है। अब हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। अभी हमने देखे कठिन शब्दों के अर्थ, अब हम इसी पद की व्याख्या को देखेंगे कि कवि निराला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की मोहकता कितनी अधिक है। फागुन मास की मोहकता तो बहुत अधिक है कि जो समा ही नहीं रही है, इतनी अधिक है और वह बार बार छलक पड़ती है। अर्थात फागुन की कांति तन में समा नहीं रही है, उसके कारण लोगों के चेहरों पर खुशी झलक उठती है। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठने लगता है तो लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो और तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। अर्थात लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ रही है और तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। इससे लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहते हैं कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को मन करता है, मैं तुम्हें अरे सौंदर्य पर से आंख नहीं हटा पा रहा हूँ। फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते आ रहे हैं, कहीं हरे हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल लाल, कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूलमाला दिखाई दे रही है। इसका तात्पर्य है कि वृक्षों पर सुगंधित फूल उग आए हैं और जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं रही है, सब जगह प्रकट हो उठी है। इसका काव्य सौंदर्य है कि कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते। दूसरा, सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दी। और तीसरा है कि श्रृंगार रस है, घर घर पर पर व पाट पाट में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घर घर पर पाट पाट इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बहुत अच्छा वर्णन का प्रयोग किया गया है। अब आप इसकी प्रश्न उत्तर देखेंगे। अट नहीं रही,
पहला प्रश्न है कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो उत्तर है कि कविता में निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा की आभा फागुन की तंगी सट नहीं रही है, उड़ने को नगमे तुम पर पर कर दे, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में अंतर मन के भावों को बिठाते। अब है कांच की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। उत्तर है कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य बहुत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुंदरता से और अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं और प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा और नए जोश का संचार कर देता है। फिर प्रश्न की प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। उत्तर है कि प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। पहला है पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है, डालियां कहीं हरी कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं, बाग बगीचे में चारों ओर हरियाली छा गई, कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। अब है प्रश्न कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न। तो फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है, पेड़ पौधे नए फल फूलों पत्तों से लग जाती है, हवा महक उठती है, सुगंधित हो जाती है और आकाश साफ और स्वच्छ हो जाता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचे और पक्षियों में उल्लास फैल जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य सभी ऋतुओं से भिन्न हो जाता है। फिर प्रश्न है कि इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो ये विशेषताएं है, पहला भाव सौंदर्य। निराला के काव्य का प्राकृतिक चित्रण अनूठा है, उन्होंने प्रकृति को माध्यम बनाकर मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध भी उन्होंने अपने स्वर को मुखरित किया। फिर शिल्प सौंदर्य, तो निराला जी का काव्य शिल्प की दृष्टि से उच्च कोटि का है और आपने कविता को छंदों से के बंधनों से मुक्त किया, उनकी भाषा में गीतता है और सामान्यतः संस्कृत पृष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, फिर भी उन्होंने अन्य भाषा के शब्दों से परिवेश नहीं किया। उनके काव्य में मानवीकरण अहंकार गंभीरता से मिलता है, जैसे कहीं सांस लेते हो तो भर 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 देते हो।